वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2022 बाय आईआईटी रोपड़। एडवर्टीजमेंट नोटिस आ गया है। आप सबसे पहले देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अभी करंटली पढ़ रहे हैं, आप बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, ये सभी आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट आया क्या है। अब वो नोटिस को हम रीड आउट करेंगे। सो नोटिस है आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम आपका 5 to 8 week का है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है 5 to 8 हफ्ते इसका ड्यूरेशन है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 23 मई से 18 जुलाई तक रहेगा। तो अगर आपके इस बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं है बैचलर्स के, यू कैन अप्लाई दैट। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं या आपका कोई और एग्ज़ाम है, यानी कुछ भी, तो आप इसे ना फिल करें, क्योंकि यहाँ पर यही होता है ना कि आपको यहाँ पर जाना होगा। ये तो वर्चुअल मोड में है, सॉरी फॉर दैट। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होगा वो आपका वर्चुअल मोड में रहेगा, यानी आपको जाना नहीं है आईआईटी रोपड़ में, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है ना, आपका कोई एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, आपके मास्टर डिग्री के फाइनल एग्ज़ाम हैं बैचलर्स के, तो आप इतने अच्छे से यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपके पेपर नहीं है ना 23 मई से 18 जुलाई तक, तो आप इसे क्या करना, यहाँ पर अप्लाई कर देना। और ये वर्चुअल मोड में है, सबसे यहाँ की अलग बात आपको नज़र आएगी, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका वर्चुअल मोड में रहेगा, ठीक है, वर्चुअल मोड में रहने वाला है। कहाँ कहाँ से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप आईआईटी स्टूडेंट हैं, या आप कोई एनआईटी में हैं, या कोई आइजर, नेशनल लैब, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, CEAs, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस, DST इंस्पायर, ये सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, कुल मिलाकर ऐसा है, आप इंडिया के, मतलब जो भी आपके जाने माने इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से आप बैचलर या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, वहाँ से सभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गए, तो ऑल दैट सब कवर हो रहा है। इवन IITs, NITs, आइजर, नेशनल लैब, सब जगह से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कितनी सीट्स हैं, जरा हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 4 सीट्स नज़र आ रही है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट 4 सीट्स हैं। पर एक पॉइंट और है, द सीट्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज, सीट्स को बढ़ाया भी जा सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर रिसर्च इंटरेस्ट। अब देखो केमिकल इंजीनियरिंग में है 9, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 13, कंप्यूटर साइंस में, आप सभी एक बार सीट्स को यहाँ पर क्या कर लेना, रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा इस इंटर्नशिप में। देखो ऐसा है, इस इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ यहाँ पर जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक और इंटर्नशिप प्रोग्राम डाला है, आई थिंक IIT पलक्कड़ का, IIT पलक्कड़ का मैंने डाला हुआ है, IIT गांधीनगर का डाला हुआ है, तो आप आई थिंक आपको उन दोनों को देख लेना चाहिए, वहाँ पर स्टाइपेंड है। यहाँ पर स्टाइपेंड तो नहीं है, बट IIT की तरफ से एक वैलिड सर्टिफिकेट आएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये बात होगी, ये सीट्स होगी और इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उसके बाद इसका जो लास्ट डेट रहेगा 15 अप्रैल 2022, इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आता है, द कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट सुपरवाइजर इन द रेवेलेंट फील्ड। अब जैसे सपोज आप, मैं तो एक केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास उनके सुपरवाइजर्स, यानी कि आप कुछ रेवेलेंट फील्ड ऑफ द स्टडी, दे हैव एन ऑप्शन टू ऑनलाइन टू गिव 3 potential supervisors का आपको नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बताते हैं, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डू देयर इंटर्नशिप इन द 1 department ओनली 1 supervisor। एक डिपार्टमेंट में ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक डिपार्टमेंट अप्लाई करना और एक सुपरवाइजर के अंडर आप काम करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और ये आपकी यहाँ पर क्या है, फैकल्टी है। फैकल्टी में से आप यहाँ पर अपने प्रोफेसर्स को देख सकते हैं, आपके पास यहाँ सभी प्रोफेसर्स हैं, इनका, इनमें से किसी का भी आप यहाँ पर नाम मेंशन कर सकते हैं कि आप किसके अंडर अपना, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर क्या है ना, उनका रिसर्च इंटरेस्ट दे रखा है। अब मान लो आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में है, तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर नागराज हैं, तो उनके अंडर आप लिख सकते हैं प्रोफेसर। आपके यहाँ पर ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स के लिए हैं डॉक्टर देवा प्रसाद, नरेंद्र सिंह,
डॉक्टर नरेंद्र सिंह नैनो पार्टिकल्स के लिए. सो आप ना एक बार अपनी फैकल्टी के देख लेना उनका रिसर्च किस चीज़ में है, तो यहाँ से उनका नाम मेंशन कर देना कि आप आईआईटी रोपड़ में इन इन वाले प्रोफेसर में ये वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना आपको. मान लो क्वांटम पढ़नी है तो क्वांटम के लिए डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, क्वांटम स्पिन डायनामिक्स के बारे में. कंप्यूटेशनल फिजिकल एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर सुदीपता कुमार सिन्हा, सोम्यजीत दास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पाई कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स. आप इनके होम पेज पर भी जा सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पर होम पेज पर जाओगे तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे, आपका ये जो जो भी आपके प्रोफेसर हैं इन्होंने कहाँ पर पीएचडी करी है, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सब यहाँ पर मेंशन होगा इनके बारे में, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अप्लाई कैसे करना वो मैं आपको बता देती हूँ. अच्छा, हमारा नोटिस में यही था तो हमने ये मेंशन कर दिया यहाँ पर. वैसे उन्होंने लिखा है कि आपको नाम देने होंगे 3 सुपरवाइजर्स का अगर रिक्वायर हो रही है, बाकी आप करेंगे 1 प्रोफेसर के अंडर काम, और सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा. और एक लास्ट मेन बात कि वर्चुअल मोड में काम होगा. अब अप्लाई देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, ठीक है. क्रिएट अ न्यू अकाउंट किया, आप अपना यहाँ पर क्या डालेंगे, यूज़र नेम. सपोज मैंने यहाँ पर डाला अलका रानी, आप अपना यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डालेंगे. सपोज मैंने ये वाली ईमेल एड्रेस डाली है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ओके. देन जब आप यहाँ पर अपना मेल आईडी वगैरह डालेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, उसके बाद आपके पास ना एक मेल आएगा आईआईटी रोपड़ की तरफ से. अगर मेल नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी अगर मेल नहीं आता तो क्या करना है. वैसे आ जाएगा, अगर नहीं आता तो एक बार ना अपना जो जैसे ये मेल बॉक्स होता है ना, इसमें एक स्पैम करके भी होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके ना, यहाँ पे स्पैम, तो ये स्पैम को क्लिक करना. यहाँ स्पैम में भी कई बार इनका मेल आ जाता है, तो देख लेना आईआईटी रोपड़ का जो मेल आपका मिलेगा आपको या तो स्पैम में होगा, अदरवाइज आपके नॉर्मली इनबॉक्स में आया होगा. वहाँ पे ये जो नीचे लिंक आ रहा है ना, इसको आप क्लिक करेंगे. लिंक क्लिक करेंगे तो वन टाइम क्लिक होगा ये. इस लिंक को क्लिक करने से आप अपना यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है. आप अपना पासवर्ड यहाँ पर क्या करेंगे, सेट करेंगे लिंक को ओपन करके. जब आप पासवर्ड सेटअप करेंगे देन उसके बाद कुछ इस तरह से पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा. अब ये पोर्टल ओपन हो गया, अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना है वो देखते हैं. जैसे हमें केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, आई जस्ट ओपन दैट. मैंने इसे ओपन किया और अभी आप देख सकते हैं, ओपन करने के बाद आपके पास ये पूरा पोर्टल साइट ओपन हो गया जिसे मुझे फिल करना है और लास्ट में से क्या करना है, सबमिट है. तो मेन तो आपको यही बताना था कि यहाँ पर कैसे कैसे आप फिल करेंगे. सबसे पहले आप अपना नेम फिल करेंगे, कैपिटल लेटर्स में आप अपना नेम फिल करेंगे. उसके बाद है आपकी रीसेंट, मतलब पुरानी फोटोग्राफ नहीं, रीसेंट फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे जिसका जो फाइल का साइज होगा वो लेस देन क्या होगा, 2 MB से नीचे होना चाहिए. उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स आती है, आप कौन से इंस्टीट्यूट में या कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी आप पढ़ रहे हैं, बस आपको नाम लिखना है, या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन सी स्टेट के अंडर है, उसका पिन कोड क्या है, डिग्री परस्यू, अगर आप डिग्री कौन सी परस्यू करें, बीटेक, एमएससी, बीएससी, ऑल दैट, तो आप यहाँ पर कुछ करें. अगर आप अलग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेटेड कर रहे होते हैं ना, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. अदर्स ऐसे लिख देना, अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, ठीक है. अब स्टार्ट डेट आपने कब किया था, सपोज आपने स्टार्ट की थी अपनी डिग्री को जून में स्टार्ट किया था, कौन से दिन किया था, ये आपको मिल जाएगा डाटा. ईयर एंड डेट क्या होगी, आप यहाँ पर फ्यूचर वाली डेट डालते हैं. सपोज अभी मैं फ्यूचर वाली, क्योंकि मेन यही देखना होता है, जुलाई, और मान लो 15 जुलाई को आपका ख़त्म होता है और 2022 में, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे आपकी इस डेट पे ख़त्म हो जाएगी डिग्री, ऑल दैट, बस. भाई अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं, बीएससी सेकंड ईयर में हैं, बीएससी थर्ड ईयर में हैं, सॉरी बीएससी फर्स्ट ईयर में, आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो. अपनी डिग्री बता देना कब फाइनल ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं सुपरवाइजर नेम. यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे सुपरवाइजर नेम का. अब मैंने केमिस्ट्री की बात करी है तो ऑटोमेटिकली बनकर आ गया डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होगी कि आप कौन से सुपरवाइजर से, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ से आप सुपरवाइजर सेलेक्ट करेंगे. जस्ट गिव मी अ 1 मिनट. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है, साइड बाय साइड एक साइट ओपन करना है, आईआईटी रोपड़ का ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ पर आप डिपार्टमेंट में जाइए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. ओके, सो अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ओपन हो जाएगा. उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ का पीपल, एक सेकेंड, हाँ, आपको फैकल्टी एंड स्टाफ. सपोज मैंने फैकल्टी किया, फैकल्टी के लिए ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है. अब ये आपकी फैकल्टी यहाँ पर, मान लो आपको यहाँ पर पढ़ना है डॉक्टर प्रबल बनर्जी के पास पढ़ना है, प्रबल बनर्जी के पास पढ़ना है, तो ये उनका एसोसिएट प्रोफेसर का नाम वहाँ पर डालिए. इनका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है. देखो क्या करना है, सपोज आपका सबसे पहले आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताई है ये बात, आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है. आपका इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक में, इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर देवा प्रसाद से पढ़े, मतलब उनका यहाँ पर रिकमेंडेशन करें सुपरवाइजर ने, और उनका ईमेल आईडी भी आप यहाँ करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है.
सुपरवाइजर रिटेल अंडर होम यू वॉन्ट टू इंटर्नशिप एट द IIT रोपड़, किसके अंडर पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिखना, उनका नाम और उनकी रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो अपने प्रोफेसर का नाम और जिन उनकी एक ईमेल आईडी आपको यहां पे क्या करनी होगी, मेंशन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रिसर्च टॉपिक या एरिया ऑफ इंटर्नशिप। अब देखिए ऐसा है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सपोज आपका मैंने बताया ऑर्गेनोमेटेलिक में इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री डाल दो। ड्यूरेशन पर पोस्ट इन द मंथ, कौन कितने मंथ का आप कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर 2 महीने इंटर्नशिप कर सकते हैं, 3 महीने कर सकते हैं, 4 महीने कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो 5 महीने कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन आप डाल देना, अपनी ड्यूरेशन यहाँ पर आप बेसिकली डाल देना। हाँ, ड्यूरेशन प्रपोज्ड इन द मंथ, कितने मंथ्स में आप ड्यूरेशन ये करना चाहते हैं, 2 महीने 3 महीने जो भी आप करेगा। ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं। आई थिंक इसमें कुछ अलग से आपको मेंशन नहीं करना है। पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, स्टेट वगैरह, ऑल दैट। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल वाला, तो मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक है, कौन सा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है सपोज आपका, आपका ईयर कौन सा पास आउट था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, कितना परसेंटेज आया आपका, ठीक है। ऐसे 12th का आप फिल करेंगे, ठीक है। 12th का फिल करने के बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि आप BSc कर रहे हैं। अब ये क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ अलग है कि ये 12th हो गया, मैट्रिक्स हो गया एंड लास्ट डिग्री ऑब्टेन। हाँ, आपकी जैसे आपने बैचलर्स करी है या बैचलर्स कर रहे हैं, या आपने BEd करी है, या आपने MSc कर लिया, आपने BTech प्रोग्राम कर लिया, आपने इंटीग्रेट प्रोग्राम कर लिया, मतलब इस तरह से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, अपने डिग्री का नाम, बोर्ड नहीं यूनिवर्सिटी का नाम आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आएगा आपका, आपका ईयर आएगा, कौन से ईयर में ज्वाइन किया था, क्या क्या सब्जेक्ट थे, परसेंटेज एंड ऑल दैट केस, ठीक है। उसके बाद ओके स्टूडेंट्स, सो क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद जहाँ तक आपका रिजल्ट आए ना, लास्ट आपका जो रिजल्ट है वहाँ तक आप फिल कर देना, राइट। उसके बाद आता है पब्लिकेशन इन अ रेफरेड जर्नल्स, इसमें क्या फिल करेंगे, अगर आज से पहले आपने कभी कोई रिसर्च इंटर्नशिप किया है, या आपने इससे पहले कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते रहते हैं, कोई विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगर आपने ऐसा कहीं पर भी कुछ भी रिसर्च के रिगार्डिंग काम किया है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर नहीं किया तो नो कर देंगे, राइट। उसके बाद आता है आपका, आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लाइक आपको यहाँ पर करना है अपने एक रिज्यूमे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पर, जैसे आधार कार्ड वगैरह समथिंग। अब वहाँ पर वो जो फाइल्स को आप अपलोड करेंगे ना, मेक श्योर सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, उन पर आपका अपना साइन होना चाहिए, और उनके ऊपर आपके फोल्डर का जो मतलब नाम होता है ना, डॉक्यूमेंट्स का एक नाम होगा, तो पहले आपका नेम होगा, फर्स्ट नेम, देन आपका क्या होएगा, लास्ट 5 digits ऑफ योर मोबाइल नंबर, PDF, ठीक है। तो आपको अपने फिर ऐसे डॉट करके PDF लिखना, मतलब जैसे आपका फर्स्ट नेम होगा आपका, जैसे मेरा नाम है अलका, उसके बाद मेरे मोबाइल का जो लास्ट 5 digits है, मैं उनको यहाँ पे क्या करूँगी, टाइप करूँगी और फिर डॉट PDF करके इसको यहाँ से अपलोड कर दूँगी। इनमें से आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, इनकी कॉपीज करनी है, ठीक है, कॉपी समझते हैं ना, कॉपी ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट्स, रिज्यूमे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आपका आइडेंटिटी कार्ड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में बेसिकली आप ये बनवा लेंगे कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट मतलब आप बनवा सकते हो। मैंने IIT अभी जो रिसेंटली IIT पलक्कड़ का दिखाया, तो उसमें बताया भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसा होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अभी करंटली इस ईयर में पढ़ रहे हो, और आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड होता है मतलब HOD होता है, उस पर साइन कर देता है कि हाँ ये हमारे कॉलेज का बच्चा है। इस तरह से एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसे अपलोड करना। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आपका ये डेक्लेरेशन आएगा, राइट योर फुल नेम, की जो भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया ऑल आर द करेक्ट, तो अपना नेम, अपना प्लेस, अपना डेट, जो जिस दिन की डेट है, जैसे सपोज आज सबमिट कर रहे हैं तो आज की डेट है, आप इसे यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखो अगर आपका सिलेक्शन, क्या मैं यहाँ पर बताती हूँ सिलेक्शन का क्या सीन रहेगा, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो यहाँ से आपको बुलाने के चांसेस पूरे हैं, मीन्स अगर आपका CGPA अच्छा है, आपकी परसेंटेज अच्छी चल रही है बैचलर्स में या मास्टर में, तो आपको यहाँ से बुलाने के फुल एंड फाइनल चांसेस है। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बिंदास अपने कमेंट डाउट में लिख सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वैसे तो इसीलिए मैं डिटेल बनाती हूँ ताकि कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर ना समझ आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डेमो आपके सामने रखा है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, बिकॉज ये इंटर्नशिप बहुत अच्छी है और दैट्स वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच, फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा। अगेन थैंक्स।